यार मैं ये कह दूंगा कि जो करण लूथरा है ना, आई थिंक ही इज़ अ वेरी रियलिस्टिक कैरेक्टर, बहुत रियल है. तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है लाइफ में कि प्रीता उसकी जो बेस्ट फ्रेंड है, अगर उसको ऐसा लगता है कि पृथ्वी उसके लिए सही बंदा नहीं है, तो आई थिंक ही इज़ गोना डू समथिंग अबाउट इट. एंड यही शायद स्टोरी है. आई थिंक दिस इज़ व्हाट्स गोना हैपन. आपने जो प्रोमो अभी देखा कि मैं उनकी शादी का कार्ड जला रहा हूँ, इट मीन्स दैट आई एम नॉट हैप्पी अबाउट द फैक्ट दैट शी इज़ गेटिंग मैरिड टू पृथ्वी. और कुछ ना कुछ मैं करूँगा, कितना सक्सेसफुल होता हूँ उस चीज़ में और कितना नहीं हो पाता हूँ. आई थिंक बिल्कुल यार, कि सी ये मैं हमेशा कहता हूँ कि कुंडली भाग्य बहुत रियलिस्टिक शो है. क्योंकि इसलिए मैं ये बात बोलता हूँ क्योंकि अगर मैंने उनकी बेटी को, सरला जी की बेटी को धक्के देकर घर से बाहर निकाला, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे फादर का एक्सीडेंट हुआ या मेरे भाई की ज़िंदगी ख़राब हो गई शर्लिन से शादी करके, उसका ब्लेम मैंने प्रीता को दिया. और अगर मैंने प्रीता को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया, तो जो सरला जी कर रही हैं वो अपनी जगह ठीक हैं, क्योंकि उनकी बेटी को इतना दुख पहुंचा है और उनको ऐसा लगता है कि पृथ्वी उनकी बेटी के लिए करेक्ट चॉइस है, तो वो पृथ्वी से उसकी शादी करवा रही है. लेकिन मुझे कहीं ना कहीं पता है पृथ्वी की सच्चाई क्या है, पृथ्वी और शलिन कैसे लोग हैं. आई थिंक दे गोना स्पॉइल हर लाइफ, और मैं उसको बचाने की पूरी कोशिश करूँगा. क्योंकि कहीं ना कहीं जो दोस्ती थी वो, सी आप किसी से, आप किसी को हेट कर सकते हो पर्टिकुलर सिचुएशन में, नफरत कर सकते हो, लेकिन जो वो पर्टिकुलर सिचुएशनल होता है वो, लेकिन जो आपने शुरू से उस किरदार के साथ एक रिश्ता निभाया है, जो है जो दोस्ती थी हमारी, जो हम दोस्त एक दूसरे के प्रति लाइकिंग थी, वो कभी नहीं मरती. आपको पता है कि आपको ऐसा लगता है कि उसने उसकी गलती की वजह से आपकी फैमिली के साथ ये सब हुआ, लेकिन आप उस चीज़ को नकार नहीं सकते कि वो कभी आपकी बेस्ट फ्रेंड थी. तो मुझे लगता है कि करण भी ऐसा ही सोचता है, और करण नहीं चाहता कि उसकी शादी पृथ्वी से. थैंक यू. 3.4 या बिल्कुल यार, मैं मुझे लगता है बिल्कुल यार, कुंडली भाग्य हैज़ ऑल द पॉजिटिव पॉइंट्स अबाउट इट, अबाउट द स्टोरी, अबाउट द कैरेक्टर्स, अबाउट द एक्टर्स, जो स्टोरी लाइन है, जो चल रहा है अभी, जो ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे हैं. आई थिंक बिल्कुल यार, मैं हमेशा कहूँगा कि कोई भी रिकॉर्ड टू फॉलो इज़, आई थिंक टू ब्रेक इज़ अचीवेबल. मुझे लगता है कुछ भी अचीव करना बहुत बहुत ईजी है. ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम वो चीज़ अचीव नहीं कर सकते. सब कुछ पॉजिटिव है, सब कुछ अच्छा है. एंड दैट इज़ द रीज़न कि कुंडली भाग्य शुरू से पहले हफ्ते से ही लोगों के दिलों में और घरों में जगह बना चुका है. क्योंकि मैं जैसा अभी भी मैंने बोला, किरदार बहुत रियलिस्टिक हैं, कहानी बहुत रियलिस्टिक है, हर आदमी अपने आप को कनेक्ट कर पाता है. तो दैट इज़ द रीज़न पीपल आर अप्रिशिएटिंग इट, लाइकिंग इट, एंड TRP शोज एवरीथिंग. यार सी, एज एन एक्टर मैं आपको बताऊं, एज एन आर्टिस्ट मैं आपको बताऊं, बहुत चीज़ें आती हैं, बहुत चीज़ें जाती हैं. येस, आई वॉज वेरी एक्साइटेड बीइंग द पार्ट ऑफ DID. आई एम यू नो, जी इज़ लाइक फैमिली टू मी. और जब उन्होंने मुझे ये बोला कि आपको ये DID करना है, तो आई वॉज वेरी हैप्पी टू डू इट. लेकिन व्हेन आई स्टार्टेड शूटिंग फॉर इट, आई रियलाइज दैट क्योंकि मैं कुंडली में इतना ज़्यादा वक्त देता हूँ अपना, तो फिज़िकली एंड मेंटली मैं थक जाता हूँ बहुत ज़्यादा. आई ऑलमोस्ट शूट फॉर 25 days. जो बचे कुछ दिन थे, आई वॉज शूटिंग फॉर DID. सो इट वॉज टेकिंग, यू नो, इट वॉज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट फ्रॉम माई एंड. और मैं ऐसा आर्टिस्ट हूँ कि मैं कुछ भी करता हूँ उसको मुझे अपना 100% देना होता है. आई डोंट वॉन्ट टू टेक एनीथिंग कि मैंने अच्छा नहीं किया. अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो ऑडियंस शुड अप्रिशिएट कि अच्छा कर रहा है, ये मेहनत कर रहा है. तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मैं 100% नहीं दे पा रहा था, इसलिए आई टोल्ड द टीम. एंड ऑन अ गुड नोट दे अंडरस्टूड माई प्रॉब्लम एंड दे सेड ओके. वेरी सून यार ये सब, वही मैंने कहा कि मैं लोगों को पता है कि मैं करना चाहता हूँ, लोगों को पता है कि आई एम डूइंग अ गुड जॉब. बहुत जल्द कुछ भी अच्छा आएगा, डेफिनेटली इफ आई विल बी एबल टू मैनेज द टाइम, यू विल सी मी ऑन स्क्रीन वेरी सून एज अ होस्ट ऑफ सम रियलिटी शो. आई हैव माई ओन चॉइजेज यार, मतलब इट्स नॉट अबाउट बींग चूजी, आई हैव माई ओन चॉइजेज कि मैं क्या करना चाहता हूँ. अगर मुझे कुछ वैसा मिलेगा तो आई विल बी ग्रेटफुल.